अभ्यास 95, गति 120 शब्द प्रति मिनट, मानक आशुलिपि, तीव्र गति अभ्यास स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के जवाब से लगता है कि वह स्वयं किसान नहीं है और उनको किसानों की समस्याओं की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान 8 महीने तक अपने क्षेत्र में खेती करें और 4 महीने के लिए वहां से हट जाएं। अपने क्षेत्र से किसान तो वहीं रहेगा जहां उसकी जीविका या जमीन होगी। आखिर 4 महीने के लिए किसान कहां चले जाएं और क्यों जाएं? मंत्री महोदय को किसानों के विषय में जानकारी नहीं है और वह बहुत ही अव्यावहारिक बात कर रहे हैं। पैरा बाढ़ में बाढ़ के संबंध में मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सारी समस्याओं के समाधान के लिए वह इस मामले में मॉडल सर्वेक्षण के लिए फिर से तैयार हैं, क्योंकि गत वर्ष जो बाढ़ आई थी उसमें पंजाब को छोड़कर करीब करीब समस्त उत्तर भारत ग्रस्त हो चुका था। बिहार और यूपी भी पूरी तरह से प्रभावित थे। असम और बंगाल भी प्रभावित थे। उस प्रकार के अनुभव के बाद क्या सरकार नए सिरे से इस पूरी समस्या को लेकर यूपी और बिहार से समन्वित मॉडल सर्वेक्षण करने के लिए तैयार है? तीसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार सरकार और केंद्रीय सरकार इन तीनों की एक मिलीजुली कॉन्फ्रेंस में इस बात के हर पहलू पर विचार करके क्या आप कोई अंतिम निर्णय करेंगे? मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस विषय पर बहुत ही स्पष्ट अपने विचार हमारे सामने रखें और जो हमने सुझाव दिए हैं क्या उनको स्वीकार करके केंद्रीय सरकार इस विषय में मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगी और किसी तरह की कोई उलझन पैदा हो तो क्या उसको वह रोकेगी? जिन 1000 गांव के डूब जाने की आशंका हो गई है, मान्यवर ये वही गांव हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा विवाद का कारण बने हुए हैं और बहुत दिनों तक यह मसला अटका रहा है। पैरा मंत्री महोदय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश ने स्वीकृति दे दी है। मेरे पास यह चिट्ठी है जिसे यूपी के चीफ इंजीनियर ने लिखा है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है तथा उन्होंने लिखा है कि इस बारे में उन्हें जानकारी दी जाए कि यह योजना क्या है और मॉडल सर्वेक्षण की रिपोर्ट क्या है। इस चिट्ठी में बांध बनाने का साफ शब्दों में विरोध किया गया है। पैरा बिहार सरकार के एतराज करने पर केंद्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में कितने ही बांध बनने से रोक दिए और मॉडल सर्वेक्षण के लिए 12 बरस तक लटकाए रखा, लेकिन केंद्रीय सरकार यह भेदभाव की नीति अपना रही है कि उत्तर प्रदेश के एतराज करने पर भी कहा जा रहा है कि यह बांध बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश को इस बारे में कोई एतराज नहीं है, उसको जानकारी नहीं दी जाती है। बिहार भी हमारा सूबा है और उत्तर प्रदेश भी हमारा सूबा है। इस बांध के बनने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इंजीनियर्स को देखना चाहिए कि जो बांध बनाया जाए वह टूटे नहीं, क्योंकि पहले भी यूपी में कोई बांध ना बनाया जाए, क्योंकि ऐसे बांध बनवाने से देश का पैसा बर्बाद हो रहा है। अब जो यह भी आपत्ति साबित हो चुका है कि बाढ़ की समस्या का हल बांध नहीं है। पैरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस चिट्ठी का मैंने हवाला दिया है, क्या मंत्री महोदय को उसकी जानकारी है? क्या मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों और चीफ इंजीनियर्स के साथ बैठकर
कोई रास्ता निकालने के लिए उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि 1 लाख लोग प्रभावित हैं, लेकिन गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि 3 लाख लोग प्रभावित हैं। हमारे सामने समस्या यह है कि ये 3 लाख लोग कहाँ जाएं पूर्ण विराम।